हैपनिंग मॉम? अरे देखना रोटी जल गई। कोई बात नहीं मॉम, कभी कभी जल जाता है, दूसरा बना दीजिए। बेटा बेटा, व्हाट हैपनिंग मॉम? रोटी जल गई। कोई बात नहीं, आप दूसरा बना दीजिए। क्या? दूसरी रोटी बनाओ, इसी रोटी को खाओ, एक दिन थोड़ा एडजस्ट कर लो। बेटा क्या हुआ माँ? अरे देखना रोटी जल गई। कोई बात नहीं, जल गया तो जल गया, आप दूसरा बना दीजिए। कोई बात नहीं, ये कोई छोटी बात है। तुमने मार्केट से कैसा आटा लाया है हाँ, कि रोटी जल गई? कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो, कैसी क्वालिटी का आटा लाया है कि रोटी जल जा रही है? पता नहीं, एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। बहू ये क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बाहर की हवा लग रही है। कभी कभी ले लेती हूँ। तो बहू इसमें छुप छुप के करने वाली क्या बात है? जो भी करना है खुल के करो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो मैं भी दो फूंक मार लूं। बहू ये तुम क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बाहर की हवा लग गई है। तुम्हारा यहाँ से बाहर आना जाना बंद। गोपी बहू ये क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें बाहर की हवा लग गई है। आइंदा ये सब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये सब क्या है गोपी बो? अब मुझे बाहर की कोई हवा नहीं लगेगी। बहू ये क्या, तुमने बिंदी लगाई हुई है? बिंदी लगाने से बिल्कुल स्टैंडर्ड लुक नहीं आता, ये बिंदी हटा डालो। ओके मैं अभी हटा के आती हूँ। बिंदी लगाई हुई हो, बहुत ही अच्छी लग रही हो। चलो बहू तैयार हो गई पार्टी के लिए? हाँ माँ जी तैयार हो गई हूँ। ये क्या, तुमने बिंदी नहीं लगाई? लगाया तो है। तुम्हारी ये बिंदी को देखने के लिए मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा, जाकर बड़ी बिंदी लगा के आओ। जी माँ जी अब ठीक है? मॉम ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, मेरा बैग दे दीजिए, रेनकोट भी भर देती हूँ। नो मॉम, मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश नहीं होगी, आप मत दीजिए। ओके मॉम बाय। ओ शिट, ये बारिश कहाँ से आ गई? ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, मेरा बैग दे दीजिए। ये रेनकोट भी रख लो, मौसम बिल्कुल साफ है, मुझे रेनकोट नहीं चाहिए। तुम चलो जानती हो, चुपचाप से ये रेनकोट रखो लो। अच्छा हुआ कि मेरे पास रेनकोट है। मॉम ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, मेरा बैग दे दीजिए। बारिश होगी, रेनकोट भी बैग में डाल देती हूँ। मौसम बिल्कुल साफ करा है, रेनकोट की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप बैग दे दीजिए। लो। ओके मॉम बाय। अरे ये तो बारिश होने लगी, रेनकोट रख ही लेती तो ठीक होता। देखती हूँ कोई प्लास्टिक मिल जाए, सर बच जाएगी भीगने से। ये रेनकोट कहाँ से आया? ऐसी होती हमारी इंडियंस मॉम। क्या आपकी मॉम ने भी कभी ऐसा किया है तो कमेंट करके जरूर बताना, हमारी इंडियंस मॉम के लिए एक लाइक तो बनता है। ऑफिस से आ गए आप? हाँ, और गर्मी बहुत ज्यादा की हुई है। तुम एक काम करो, पानी में बर्फ डाल के ले आओ। एक्चुअली फ्रिज खराब हो गई है तो बर्फ नहीं जमी है। कोई बात नहीं, ऑफिस से आ गए आप? बाहर गर्मी बहुत ज्यादा की है, तुम एक काम करो, बर्फ डाल के एक ग्लास पानी ले आओ। वो एक्चुअली फ्रिज खराब हो गई है तो बर्फ तो नहीं जमी है। कोई बात नहीं, मैं मार्केट से बर्फ खरीद कर आता हूँ, फिर बर्फ वाली पानी पियेंगे। आप ऑफिस से आ गए? हाँ गोपी, गर्मी बहुत ज्यादा की हुई है, तुम जल्दी से बर्फ वाली एक ग्लास पानी ले आओ। पर फ्रिज तो खराब है, बर्फ नहीं जमी है, क्या करूं? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, आप जाके फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए बर्फ वाली पानी लेकर आती हूँ। मैंने अनुराजी को झूठ तो बोल दिया, लेकिन मैं बर्फ वाली पानी कहाँ से लाऊं? हे एक तमाम मेरी मदद कीजिए। ये क्या है, सरफ और पानी? समझ गई। अनुराग जी की बर्फ वाली पानी तैयार हो गई।